आप कहीं पे भी चले जाओ विंडोज यूज़र आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे वर्ल्ड वाइड 70.68%, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और ये बहुत सारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड आता है। Hey viewers, welcome to my channel and this is the first content and I hope you all like it and support it. Before starting this video, I want to tell you something. ये video उन लोगों के लिए है जो literally इसके बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में पहले से ही aware हैं. So आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा इस video का topic as per the title और thumbnails. तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन हर कोई कर सकता है, बट ए परफेक्ट वे में उसको इंस्टॉल करके रेडी टू गो कंडीशन में लाना, इट्स नॉट ए इजी टास्क. विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए पेन ड्राइव, बूटेबल आईएसओ फाइल एंड बूटेबल सॉफ्टवेयर, जो कि रूफस जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, और मीडिया क्रिएशन टूल जो कि डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. ये तीन चीज़ों से आप एक सिस्टम, या आप लोग जो भी बोलते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. आफ्टर ओएस इंस्टॉलेशन आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल करना है. अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं आपके सिस्टम में, तो आपको बहुत सारे इशूज़ फेस करने पड़ेंगे आपके सिस्टम में. जैसे कि एक होता है आपका ग्राफिक्स सही से काम नहीं करेगा, रिजोल्यूशन सेट होने में प्रॉब्लम देगा, आपका जो आइकॉन्स वगैरह हैं या जो भी विजुअल है वो आपको परफेक्टली नहीं दिखेंगे, ठीक है. और एक चीज़ होता है, साउंड नहीं आता है. अगर मान लीजिए साउंड ड्राइवर अगर मिक्सिंग होगा, आप अगर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होता है. नेटवर्क नहीं आता है, मतलब वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं होगा या आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, लैन ड्राइवर मिसिंग रहता है बहुत सारे जगह पे. सो ये सब का एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको सॉल्यूशन करने के लिए, वो होता है DRP, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, जो कि आप ऑनलाइन भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन उसका पैकेज जो है वो डाउनलोड करके भी आप इसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके ड्राइवर का जो भी जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी आपका मिसिंग ड्राइवर है, उसको आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर सकते हैं और मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि ये जो DRP है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है, इसका वीडियो या इसका जो इंस्ट्रक्शन है कैसे इसको चलाया जाता है, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है. और एक चीज़, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सिस्टम का जो ड्राइवर का इशू है आप रिजॉल्व कर सकते हैं. ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है या इसमें कोई भी आपको प्रीमियम पैकेज नहीं लेना पड़ता. जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप इंस्टॉल तो कर देते हैं, उसके बाद वो ड्राइवर चेक भी कर देता है कि ये ड्राइवर आपका मिसिंग है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा. जब आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रीमियम पैकेज करने को बोलता है, लेकिन ये जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. अगर आपको इसमें कोई भी, इसको ऑपरेटिंग करने में कोई भी दिक्कत होता है, तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि इसके लिए मैं पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ. ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अभी करना क्या है, अब आता है एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स, जो कि यूज़र एंड आपका जो क्लाइंट है या आप पर्सनली अपना सिस्टम फॉर्मेट कर रहे हैं, आपका एसेंशियल और आपका नीड के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं. और बेसिक सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही होंगे, फायरफॉक्स, VLC, गूगल क्रोम, MS ऑफिस, एडोबी रीडर, विनरार, आप ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें ये तो बेसिक सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो इसको डालना पड़ता ही है, नहीं तो ये जितना भी सॉफ्टवेयर्स मैंने नाम लिया है, अगर इसको नहीं डालेंगे तो आपका मतलब बेसिक काम भी नहीं हो सकता है. जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए हो एज पर द क्लाइंट एंड यूज़र, आपको इंस्टॉल कर देना है. उड़ते उड़ते ये भी खबर आया है कि विंडोज़ 12 लॉन्च होने वाला है, जो कि 2024 में लॉन्च होगा, बट मुझे लगता है कि विंडोज़ 11 ने जो रायता फैलाया है
उसको पहले ठीक करना ज़रूरी है, ये सब रिलीज़ से पहले। अगर आप एक के बाद एक, मतलब ईयर वाइज आप एक, अगर मान लीजिए एक दो साल गैप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दे रहे हो और उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ यूज़र्स जो हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके मुताबिक जब वो लोग क्या है, विंडोज़ 11 अपग्रेड किए, जब 10 था उसको अपग्रेड किए, जब उनको नोटिफिकेशन आया कि विंडोज़ 11 आपका सिस्टम के लिए एलिजिबल हो गया है और आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तभी लोग इंस्टॉल किए और उसके बाद क्या हुआ, किसी का ग्राफिक्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, किसी का रेजोल्यूशन सेट नहीं हो रहा है, किसी का इंस्टॉलेशन के बाद ऑन नहीं हुआ, किसी का डिस्प्ले फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो क्रिटिकल अपडेट्स जो आता है ना, उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। वैसे बहुत सारे क्लाइंट्स का ये भी कहना है कि सर, हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, विद इन 10 मिनट्स हमारा जो 80% डाटा जो कंज्यूम्ड हो जाता है, अगर मान लीजिए 10 मिनट में उसका 1.5 GB का 80% ख़त्म हो जा रहा है, तो बेचारा दिन भर करेगा क्या? एक बार खाली लैपटॉप और डेस्कटॉप में लगाया और उसका 80% डाटा ख़त्म। ठीक है, विंडोज़ को एक्चुअली नोटिफिकेशन देना चाहिए यूज़र को कि देयर इज़ अ न्यू अपडेट इन योर सिस्टम, डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड इट करके, तभी यूज़र अपना कुछ जुगाड़ बैठा के उसको डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा या जो भी नहीं करेगा, उसी के मर्जी के हिसाब से। यूज़र चाहता भी नहीं है और उसका डाटा पैक ख़त्म, उसके लिए बहुत टेंशन हो जाता है। मान लीजिए कोई ऑफिशियली काम कर रहा है और उसमें डाटा पैक ख़त्म हो जा रहा है, कोई वीडियो कॉल में है या कोई कॉन्फ्रेंस में बैठा है, उसका नेट पैक ख़त्म हो जा रहा है, ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, इसका भी एक सोल्यूशन है, जो कि डाटा पैक इतना जल्दी कंज्यूम हो जा रहा है, एक मीटर कनेक्शन करके एक सेटिंग है सिस्टम में, उसको ऑन कर देने से आपको वो इशू नहीं होगा। वैसे मीटर कनेक्शन जो है उसको इनेबल करने का एक तरीका है, पहले आप अपने वाईफाई में जाइए, वाईफाई में राइट क्लिक कीजिए, उसमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाइए, वहाँ पे आपका एक SSID दिखा रहा होगा जो कि आप कनेक्टेड होंगे रिसेंटली, उसमें आप क्लिक कीजिए। उसके अंदर जाने से आपको, उसका प्रॉपर्टीज़ में जाने से आपको वहाँ पे एक सेट एज मीटर कनेक्शन करके एक होगा ऑप्शन, उसको एनेबल कर देना है। उसके बाद क्या है, आपका डाटा जो है कंज्यूम होना कम हो जाएगा, और जितना भी बैकग्राउंड में जितना भी डाटा कंज्यूम हो रहा है कहीं पे भी, जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी सिस्टम ब्लॉक कर देगा। तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत सारे जो डाटाज अनवांटेडली कंज्यूम हो रहे थे वो बंद हो जाएगा। वैसे विंडोज़ इंस्टॉल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, अगर आप लोग भी फेस करते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और जो प्रॉब्लम आप देंगे उसको हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, पर्सनली मुझे ही बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। सो थैंक यू। वेट, और एक चीज़ रह गया, जैसे कि ये फर्स्ट कंटेंट है ये चैनल पे, और हम लोगों का बिलो 100 सब्सक्राइबर हैं, एंड उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट 10 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इसमें। और एक चीज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यू नो व्हाट आई वांट, जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द नेक्स्ट मीटिंग।